मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि इलेक्शंस तो होने हैं, मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, ओके इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। बेसिकली जो आप बात कर रही हैं, दरअसल हलचल मच रही है बलोचिस्तान में, क्योंकि वहां पे क्योस है। इस वक्त दो थेरीज चल रही हैं बलोचिस्तान में। एक ये चल रही है कि जो के जो पीएमएलएन के 21 मेंबर और प्लस पीएमएलक्यू के 5 मेंबर हैं, मेरी अभी एक सिटिंग मिनिस्टर से बात हुई, उन्होंने मुझे ये बताया कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम एक कलेक्टिव रहे और हम कलेक्टिव डिसीजन करें, और हम चाहते हैं कि यंग लीडरशिप लेके आए जो सेनेट में जाए, जिसको इंग्लिश बोलनी भी आती हो, जो एनर्जेटिक भी हो, और जो बलोचिस्तान के मसले को ग्लोबली भी पेश करे कि हम लोग कितने पीछे क्यों रह गए और फेडरेशन से भी लड़े। ठीक है, क्योंकि जो पीएमएलएन के 21 लोग थे, सख्त तहफात थे पीएमएलएन की सेंट्रल लीडरशिप से, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी नहीं की उन्होंने। तो एक तो थ्योरी ये चल रही, दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि जो अली मदद जतक थे पीपल्स पार्टी के, जो सूबाई सदर हैं, उन्होंने आज से 5-6 माह पहले कहा था कि अगला जो चीफ मिनिस्टर आएगा बलोचिस्तान से वो जियाला आएगा, और उसके बाद जरदारी साहब हब चले गए कदूस बजंजी साहब के घर, और वहां पे एक फातिया हुई, और वहां पे 14 MPA भी आए, और फिर उसके बाद सारा प्रोसेस चला, और अभी पोजीशन ये हो गई कि वो कराची भी चले गए और दोनों को बैठा के उन्होंने डिस्कशन भी की। दो थेरीज इस वक्त चल रही हैं, लेकिन जरदारी साहब वाली थेरी ज्यादा एक्टिव है। अभी एक महीने तक पता चल जाएगा कि क्या होता है, लेकिन सेनेट में इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं, और पीएमएलएन को बहुत सख्त डैमेज इसमें होना है। और जैसे मरियम नवाज का भी अभी आप बता रही थी कि वो समझ रहे हो कॉन्स्पिरेसी हो रही है, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही, ये आपका ध्यान ही नहीं है। आपको पता है कि अभी जो नून लीग के एमपीएस हैं, वो तो ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब का ये हुक्म था कि जो क्वेटा की मेयरशिप है वो भी पश्तूनख्वा मिल्ली पार्टी को दे दें, आप सब कुछ एस एस जई साहब को दे दें, और नून लीग के लोगों को कुछ मिलता नहीं था, और 300 जो डैम थे वो भी वो कह रहे थे किला अब्दुल्ला में हमने लगाने हैं, तो हम जो है वो इस वक्त जो पश्तून बेल्ट है उसको एम्पावर कर रहे। तो बड़ी सख्त फ्रस्ट्रेशन है, तो इसका कसूरवार ये ना ठहराएं कि वहां साजिश हो रही है, इसका मकसद ये था कि आपने वहां काम ही नहीं किया, आपने अपनी लीडरशिप को ओन ही नहीं किया, तो आप वहां पे लोगों को ओन करें, अपने काम जो है, जो प्लान है, जो जैसे पूरे पाकिस्तान में प्लान दे रहे थे, अपने वहां 21 MPAs को भी प्लान देते, तो अभी सेनेट में आप लोग जो है वो आपके 4-5 सेनेटर्स आ जाते, अभी तो 7-8 सेनेटर्स या तो ये इंडिपेंडेंट ये पीएमएलक्यू और पीएमएलएन मिलकर बना जाएंगे, या फिर ये होगा कि ये जरदारी साहब इनमें से 4-5 लोग ले जाएंगे, और गजैन मरी जो है वो अभी जो रिसेंटली दुबई से आए, उनके जो मुकदमात थे उनको भी सुना है कि जरदारी साहब ऑन बोर्ड ले रहे हैं, और होपफुली शायद मुझे खबर मिली है कि उनको जो है सूबाई सदर भी बना दिया जाए और वो ऑन बोर्ड है पीपल्स पार्टी के साथ। अच्छा। तो पीपल्स पार्टी ने बड़ा खास किस्म का एक इन्फ्लुएंस रखा है बलोचिस्तान में, जो कि मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में बड़ा मानी खेज। अच्छा, ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतना जो मानी खेज अपना अपना माहौल बनाया और इतनी जो उन्होंने मूवमेंट और मेहनत ये की, तो ये अचानक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये क्यों किया? मतलब वो तो चाहते थे कि वो तो चले, ठीक है सेनेट नहीं चाहते होंगे, लेकिन वो तो चाहते हैं ना कि सिस्टम भी चले, सब कुछ चले। तो जो जरदारी साहब ने अभी पिछले दिनों लाहौर में कहा था कि ये मैं इनसे तंग आ गया हूं, इस जमहूरियत, इस आदमी की जमहूरियत से तंग आ गया हूं, तो मतलब ये कि बस रास्ते जुदा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी खत्म, फारिग हो गया मामला? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तो जरदारी साहब ने कहा था ना कि मैंने दुआ दी है बलोचिस्तान वालों को। नहीं तो नहीं, मैं नवाज शरीफ और जरदारी साहब की दोस्ती और याराने की बात कर रही हूँ। नहीं, याराना तो इंटैक्ट है जी, याराना कहीं नहीं जा रहा, ये अच्छा। तो दिखाने के लिए मेरा ख्याल है कि ये नवाज शरीफ साहब की अदम जो तवज्जो थी ना बलोचिस्तान में, ये उसका शाखसाना है, और मेरा ख्याल है जहां भी होता है अगर आप स्पेस छोड़ेंगे तो दूसरा एक्टर वो स्पेस फिल कर लेता है। जरदारी साहब ने बड़ी खूबसूरती से वो स्पेस फिल की है, तो एक तो बलोचिस्तान की हद तक ये स्पेस फिल की है, लेकिन नेशनल लेवल पे वो जो एक बात करते हैं इदारों की, और जो है वो कि हमने लड़ना है और करना है, उसमें जरदारी साहब थोड़ा पीछे भी हट गए हैं, क्योंकि जरदारी साहब इस वक्त ज्यादा प्रो एस्टैब्लिशमेंट जो है ना वो रेटरिक लेके आ